हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू सारांश बात। तो आज हम लोग एनिमल किंगडम का जो नॉन कॉर्डेट्स वाला पोर्शन है उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास ध्यान से नहीं देखे हो तो जरूर क्लास देख लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दी हूँ, आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगी, तो जरूर चेक करना। नहीं करोगे तो बातें समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो चलिए, इंतजार किस बात का है, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, बाइलैटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय। तो बाइलैटरल सिमेट्री भी होगा एंड उसके साथ साथ एसिलोमेट होना चाहिए। तीनों फोरा नहीं होगा, आप लोगों को पता है, क्योंकि वो बाइलैटरल सिमेट्रिकल नहीं है। प्लैटीहेलमिंथिस होगा क्योंकि वो बाइलैटरल सिमेट्रिकल भी है एंड एसिलोमेट भी है। फिर भी आंसर देख लेते, मतलब बाकी सब देख लेते हैं। एशियलमेंटिस भी नहीं होगा। डी एनिलिडा, एनिलिडा भी ए सिलोमेट तो नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लैटीहेलमिंथिस। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको कॉलम वन कॉलम टू ध्यान से देखना है। पहला जो है ग्रीगरियस एंड पॉलीफेगस पेस्ट, यहाँ पे किसी इंसेक्ट्स की बात किया जा रहा है, मतलब आर्थ्रोपोडा ग्रुप का। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा का दो है, स्कॉर्पियन एंड लोकस, बट ये स्कॉर्पियन पेस्ट नहीं है। सो ए का होगा फोर। अगर देखा जाए तो ए का फोर बी ऑप्शन में है, ठीक है? फिर भी बाकी सारा हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। बी है एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है इकाइनोडर्माटा में। सो यहाँ पे इकाइनोडर्माटा आपका है एस्टेरियस में, ठीक है? सो बी का होगा वन, जो कि फिर से बी ऑप्शन में आ रहा है। सी का बुकलंग, बुकलंग होता है स्कॉर्पियन में, मीन्स आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। सो सी का है टू, अगेन बी ऑप्शन। एंड डी बायोलुमिनस, बायोलुमिनस है टीनोफोरा, टीनो प्लाना, टीनोफोरा में, टीनोफोरा ग्रुप में आपका बायोलुमिनस कैरेक्टर टेस्टिक रहता है विद द कोम लाइक स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मैच करवाना है। सो पाइला है, पाइला का कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फिल्म सेल, कॉम्प्लेट्स, रेड्यूला, मालपिगियन ट्यूब्स। अब देखिए बेटा, पाइला कौन सा कैटेगरी में आते हैं, आते हैं मोलास्का में। सो मोलास्का में हम लोग जानते हैं रेड्यूला प्रेजेंट होती हैं। सो रेड्यूला तो ये फीडिंग में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में नहीं, लेकिन ऑर्गन आपको मैच करवाना है। सो ए ऑप्शन होगा थ्री। अब ए ऑप्शन थ्री ए बी सी तीनों में है। बी का देखते हैं बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स है आपका आर्थ्रोपोडा फैमिली। सो बी का होगा मालपिगियन ट्यूब्स। सो ऑप्शन सी में हम देख पा रहे हैं कि बी का फोर है। फिर है प्लियोरोबैंकिया, ये ऑप्शन सी का होगा आपका कोम्ब प्लेट्स, ऑप्शन सी टू। एंड टीनिया, टीनिया का होगा फ्लेम सेल्स वन, ठीक है? सो आपका ऑप्शन जो होगा ए थ्री, बी फोर, सी टू एंड डी वन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस पे नहीं जाते, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। सो ऑप्शन इज आर्थवर्म, ट्यूनिकेट्स, मॉथ, स्टारफिश। ट्यूनिकेट्स कॉर्डेट्स में आते हैं, जो जिसके बारे में आप लोग नहीं पढ़े हो, लेकिन ऑप्शन में जितने सारे हैं उसमें नॉन कॉर्डेट्स में ही आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्थवर्म कभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं करते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म जैसे इंसेक्ट्स करते हैं वैसे ही नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स क्यों बोला जाता है? एक वो लिंकिंग है, लिंके हम बोले थे कि वो लिंक करता है नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स को। सो ऑप्शन है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फैरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फैरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, एब्सेस नोटोकॉर्ड। सो बेटा, उन लोगों का फैरिंग्स रहता है लेकिन गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फैरिंग्स विदाउट गिल स्लिट। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन केस ऑफ पॉलीफेरन्स द स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विद फ्लैजेलेटेड सेल्स कॉल्ड। तो बेटा ये बात मैं क्लास में तो बहुत अच्छे से बोली थी, पिक्चर दिखा के बोली थी। सो ऑप्शन है ऑस्क्यूला, बी है क्वानोसाइट, सी है मेसेनकाइमल सेल एंड डी है ऑस्टिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्वानोसाइट्स, ठीक है? क्वानोसाइट से पूरा लाइन होता है स्पॉन्जोसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर्स नहीं है? ऑप्शन ए है पैरापोडियम,
बी है ज्वाइंटेड अपेंडिजेस, सी है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, डी है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। शायद आप लोगों को पता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पैराकोडिया ऐसा कैरेक्टर है जो एनिलिडा में कुछ ऑर्गेनिज्म में रहता है, ठीक है, सभी में नहीं, कुछ कुछ में रहता है। लेकिन ज्वाइंटेड अपेंडिजेस आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन वो भी इसका है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी आर्थ्रोपोडा शो करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जो आर्थ्रोपोडा में नहीं है, दैट इज पैरापोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेटेड सेल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। अब देखिए बेटा, ऐसा बोला है कि बॉडी मेशवर्क जैसे होता है, बॉडी में एक कैविटी रहती है और जिसके अंदर कुछ सेल लाइंड किए हुए रहते हैं, जो अंदर आए जो वाटर है मतलब फूड कैप्चरिंग में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मोलस्का में तो नहीं है, प्रोटोजोआ भी नहीं है, सिलेंटेटा नहीं है, पोरीफेरा में ये कैरेक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंदर की जो सेल है, जो कैविटी है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉन्जो सेल, और जो लाइंड होते हैं जो सेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं पॉनोसाइट्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, अब बेटा मेटाजेनेसिस हम लोग पढ़े थे किसमें, निडरियंस में, जिसमें पॉलिप टू मेड्यूसा ऐसा एक ऑर्गेनिज्म था ऑरेलिया, जो पॉलिप टू मेड्यूसा भी हो सकता है, मेड्यूसा टू पॉलिप भी हो सकता है थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बोला गया कि मेटाजेनेसिस क्या है, चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है ऑकरेंस ऑफ ए ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेजेंस ऑफ ए सेगमेंटेड बॉडी एंड पैथोजेनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, presence of different morphic forms, alternation of generation between asexual and sexual phases of organism. So option D is the correct option. चलते हैं आपके next question में। next question है planaria possesses high capacity of, ये भी मैं बहुत बार बोली हूँ class में, और बोलते बोलते ये भी बोली हूँ कि regeneration and fragmentation में difference क्या है। So option देख लेते हैं। option A है metamorphosis, two है regeneration, सी है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, डी है बायोलुमिनेसेंस। सो प्लैनेरिया रीजेनरेशन बहुत ज्यादा शो करता है, मतलब उसका एक किसी पार्ट का, बॉडी का पार्ट का अगर सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, या कोई पार्ट डैमेज हो जाए, तो वहां से नया पार्ट निकल सकता है, पूरा बॉडी नहीं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। बॉडी के कोई एक पार्ट से पूरा बॉडी निकल जाना, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। बट हियर प्लैनेरिया क्या शो करता है, रीजेनरेशन। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम फाइलम। ये क्वेश्चन बार बार दिया जाता है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। ए है प्रॉन्स स्कॉर्पियन लोकास्टा, तो मुझे ए तो सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेंगे, क्योंकि ये सारा आर्थ्रोपोडा फैमिली में ग्रुप में आ जाता है। स्पॉन्ज, सी एनिमोन, स्टारफिश, चूंकि ये नहीं है, पॉडीफेरा है, फिर आपका उधर इकानोडर्माटा आ जा रहा है, मैलेरियल पेस्ट, एमीबा, मॉस्क्यूटो नहीं है, आर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म। ये जो वर्म वाला फैमिली है ना, लोग समझते हैं कि ये सभी आर्थवर्म अलग है, टेपवर्म अलग है, तो इसको मिक्स मत कीजिएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रॉन्स स्कॉर्पियन एंड लोकास्टा, क्योंकि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ए है निडरिया, बी है पॉरीफेरा, सी है प्रोटोजोआ एंड डी है टीनोफोरा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स दिख रहे हैं आपको, फिगर्स जब भी दे ये क्वेश्चन जरूर अटेंड कीजिए, बहुत अच्छे होते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द फिगर ए टू डी शो फोर एनिमल्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू ऑफ दिस एनिमल्स। सो ए है, ए एंड डी रिस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल, ए एंड डी नहीं, ये बॉडी वॉल के थ्रू रिस्पायर नहीं करते हैं। बी, बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री ऑक्टोपस का तो नहीं होता है। सी, ए एंड बी हैज नीडोब्लास्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, सी एंड ए एंड बी बोला है, तो इसमें तो नीडोब्लास्ट नहीं होता है, ए एंड बी में नीडोब्लास्ट नहीं होता है। डी है, सी एंड डी हैव ट्रू सीलम, तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तो ट्रू सीलम होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन एग्जांपल ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस, ऐसा कोई और यहाँ पे एनिमल का नाम बताना पड़ेगा आपको, टिक करना पड़ेगा।
जिसका एक ही ओपनिंग है जो माउथ एंड एनस दोनों का काम करता है. सो ऑक्टोपस है, एस्टेरियस है, एसिडिया है, डी है फेस्युला. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फेस्युला. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली स्टेटेड. ठीक है, आपको चूज करना है कि इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो सही से दिया हुआ है कि नहीं. सो ह्यूमंस है किडनी, सेबेसियस ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड. ठीक है, बी है आर्थ्रम, फारेंजियल, इंटीग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रिडिया. सी है कॉकरोच, मालफिगियन ट्यूबल्स एंड एंटेरिक सिका. फ्रॉग है किडनी, स्किन एंड बकल एपिथेलियम. सो अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है आर्थ्रम उसका सही है, फारेंजियल, इंटीग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रिडिया. तो ये ऑप्शन सही है. ठीक है, ऑप्शन बी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं. इकानोडर्माटा, पेंटामेरस, रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ऑप्शन बी. मोलस्का नॉर्मली ओविपोरस एंड डेवलपमेंट थ्रू ए ट्रोकोफोर और वेलिगल लार्वा. ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोराक्स एंड एब्डोमेन, रेस्पिरेशन थ्रू ट्रकिया. इट इज द राइट आंसर. बी वाला भी देख लेते हैं. कॉडाटा, नोटोकार्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एंड यूरिनरी ओपोनेंट्स टू द आउटसाइड. तो सबका कुछ ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा गलत है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो एकदम राइट है. बॉडी डिवाइड इनटू हेड, थोराक्स एंड एब्डोमेन, एंड इसका जो रेस्पिरेशन होता है वो थ्रू ट्रैकिया होता है. क्योंकि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में बहुत वैरायटी है, गिल्स होता है, बुक्लीस होता है, बुक लंग होता है, ट्रैकिया भी होता है, लेकिन ट्रैकिया तो होता है. सो इट इज राइट, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है. बहुत ढेर सारा क्वेश्चन है. अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो हम लोग का टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप आ सकते हो. वहाँ पे डिस्कशन होती है, आपका जो भी प्रॉब्लम है हमारे टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. अगर चाहते हो कि इससे भी ज्यादा डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो या बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो और भी, तो हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो. तो आज यहीं पे खत्म करते हैं. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो पढ़ते रहिए एंड लेट्स मेक इट हैपन.